जहां एक ओर महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार तमाम दावे करती है, तो दूसरी ओर महिलाओं के अधिकारों को उनके परिजनों ही परिता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल हरिद्वार जनपद में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद से ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक लेने हरिद्वार जनपद के मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन पहली बार नारसन विकासखंड कार्यालय पहुंचे, जहाँ पर महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि या फिर प्रधानपति बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि गांव देहात में चुनाव जीतने वाली अधिकतर महिलाओं के बदले उनके पति या फिर परिजन कार्यक्रमों और बैठकों में हावी रहते हैं। यही नज़ारा हाल ही में हुई नारसन विकास खंड कार्यालय ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में भी देखने को मिला। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। इस क्षेत्र में यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सभी सम्मानित पदों पर हैं और सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। और ये जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होती है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो मेंबर हो वो खुद प्रतिभाग करें। आमतौर पर यह देखा जाता है, स्पेशली महिलाओं को लेकर, कि महिलाएँ कहीं पर इलेक्ट हो जाती हैं लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता। कहीं ना कहीं प्रधान पति, जैसे हम बोलते हैं, पति के रूप में वो आके यहाँ पर बैठ जाते हैं या फिर कोई और भी मेंबर है तो उनके कोई और रिलेटिव यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो एक बहुत गलत परंपरा है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है।